दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय कुछ अलग है, एक नया कानून। आपको लगेगा कुछ ये क्या बता रहे हैं, नया कानून ही बता रहे हैं। नहीं, ये कानून है राइट ऑफ इजमेंट, यानी सुख सुविधा का अधिकार। एक ऐसा अधिकार है, एक अलग सा अधिकार है जिसको राइट ऑफ इजमेंट जो बोलते हैं। उसमें आप मानो एक भूमि का आप मालिक हो, आप भूमि ए करके आप ए भूमि का मालिक हो, ए नंबर के लैंड का, और बी नंबर के लैंड आपके बाजू में ही है। आज आपके ए के भूमि में जाने के लिए बी के भूमि से ही आपको जाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता उस साइड है, बी के उस साइड है, उस पार है। अब बहुत साल से आप दादा परदादा से वही आप आते जाते हो, आपकी बैलगाड़ी आपकी मोटर गाड़ी वहां से ही जाती थी। अब उसने क्या किया, उसको कंपाउंड डालना चालू किया। अब आप जाएंगे कहां से, आपको उड़ के तो नहीं जा सकते। तो आपके भूमि क्या आप इसके बाउंड्री के कारण आप उपभोग ही नहीं ले पाओगे, तो आपके पास क्या अधिकार है, तो उसको अपोज करने का अधिकार है। मेरे राइट ऑफ इजमेंट यानी मेरे सुख सुविधा का अधिकार जो प्रस्तापित है, उसको ये क्या कर रहा है, रोकथाम कर रहा है। इसके लिए आप दावा ठोक सकते हो। अब सुख भोग का अधिकार ये अलग सा दावा है, हटके दावा है। ये बताने के लिए आपके पास कुछ तो प्रूफ रहना चाहिए कि भाई मैं बहुत साल से ये यूज कर रहा हूं, ये रास्ते का यूज कर रहा हूं, ये पानी के लिए जब मैं जाता हूं, यहां से पानी पीने के लिए जाता हूं, यहां से हम स्कूल या और कहीं मार्केट के लिए जा रहे हैं, या तो मेरे खेत के लिए जाने जाने के लिए यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं, तो मैं कुछ और कर ही नहीं सकता है, मुझे जाना ही है। ये अलग से आप ये बोल सकते कि इसको रोको, ये बाउंड्री के रोक, बाउंड्री करने के लिए रोकथाम करने के लिए, या आने जाने के लिए प्रावधान रखने के लिए ये अधिकार आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो 20 साल का आपका उपभोग आपको दिखाना पड़ेगा, 20 साल से मैं वहां से आते जाते रहे। अब सरकारी संपत्ति के लिए, सरकारी संपत्ति अगर बाजू में है उसके अगर आप अगेंस्ट में जाना चाहते हो, तो 60 साल से आप यूज कर रहे हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। मेरे परदादा दादा मेरे पिताजी मैं हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें भी लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन है क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 37 के अनुसार जब आप सुखोभोग दे रहे हो और कभी भी उसको आपने बाधित, सामने वाले पार्टी ने बाधित किया, अब बाधित होने के बाद 3 साल के अंदर आपको दावा ठोकना है। अगर 3 साल के बाद आप दावा ठोकने जाओगे तो लिमिटेशन के कारण आपका दावा खड़ा नहीं हो सकता है। ये इतना दिमाग में रखो, ये अलग का कायदा है, कानून अलग सा है, इजमेंट का कायदा है। इसमें हर एक आदमी को पानी के लिए, रास्ते के लिए, प्रकाश के लिए, यानी मैं जहाँ मेरे बिल्डिंग में रहता था सामने मुझे सब सनलाइट आ जाती थी, सूर्य किरण आ जाता था, प्रकाश था, हवा थी। अब बाजू में ऐसे ऊंची बिल्डिंग आ गई, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, मुझे कोई सनराइज भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर दावा ठोक सकता हूँ, इतना याद रखिए। पर मैं भी नया हूँ, वो भी नया है, तो कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर मेरा प्रीमाइसेस ओल्ड है और मैं इसका इजमेंट दिखा सकता हूं, तो ही मैं उसके ऊपर दावा कर सकता। ये अलग से कानून है। आज एक नया कानून आपको बताया, मुझे लगता है आपको ये अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा नया कुछ बताने के लिए, या तो जूना उसके ऊपर डिटेल में बताने के लिए। यहां ही रुकता हूं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।